तो आज मैं शूट करने वाला हूँ इस आईफोन से एक मूवी। तो आपने बचपन से बहुत सारी मूवीज देखे होंगे जिनको बनाने में बड़े बड़े कैमराज और बहुत सारी टीम और बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बट हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम इस आईफोन से शूट करने वाले हैं एक मूवी, और वो भी बहुत कम बजट में, और पूरा शूट से लेकर एडिटिंग पूरा मेरे आईफोन में ही होगा। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये भी आईफोन से शूट हो रहा है। तो चलो देखते हैं क्या हम इस आईफोन से एक मूवी शूट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो भाई देखो, एक मूवी बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा सबसे पहले स्टोरी, और स्टोरी तो मैंने सोच लिया था। अब हमें बस एक अच्छा सा स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो कुछ घंटों की मेहनत के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया है, एंड अभी बस दो काम बचा, प्रॉपर शूटिंग और थोड़ी बहुत एडिटिंग। तो गाइस, वीडियो शूट करने के लिए हम निकल जाते हैं अपने लोकेशन पर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो पेट्रोल फुल कराने के बाद हम आ जाते हैं अपने लोकेशन पर। देखो, हमारा ये प्लेस है जहाँ पे हम वीडियो शूट करने वाले हैं अपना। तो गाइस, हम एक हॉरर मूवी शूट करने वाले हैं इस प्लेस पर। तो गाइस, ये हमारा बिहाइंड द सीन जिसमें हम विदाउट स्टैंड और लाइट के शूट कर रहे हैं अपना वीडियो इस जगह पर, जहाँ पर बस खाली दो लाइटें लगी हैं, और हम एक हॉरर शॉर्ट फिल्म में शूट करने वाले हैं। तो गाइस, पहला टेक हमने अपना वहाँ से लिया है जिसमें मैं गाड़ी पर बैठ के सीन ले रहा हूँ। तो गाइस, फर्स्ट टेक में तो हमारा कैमरा काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, तो हमने इसको हटा के फिर से इसी सीन को रिटेक लिया है। और गाइस, सेकेंड टाइम में हमारा क्लिप काफ़ी अच्छा बना था, एंड एक और हमने साइड एंगल से क्लिप ले लिया है। तो गाइस, सेकेंड टेक हमने यहाँ से लिया है गाड़ी ऊपर चढ़ते वक्त दूसरे एंगल से। और तीसरे टेक के लिए मैं सामने से आके एक नया एंगल लेता हूँ गाड़ी को ऊपर चढ़ते वक्त। और गाइस, चौथा एंगल हम राइट साइड से लेते हैं स्टैंड लगाते वक्त। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम इसी टेक को फिर से लेते हैं लेफ्ट साइड से। और जब हमारा ये वाला एंगल कंप्लीट हो जाता है तो मैं जाता हूँ राइट साइड में एक अलग एंगल से लेने। और ये वाला एंगल होने के बाद हमें एक और एंगल शूट करना पड़ता है सामने से। और जैसे हमारा यह एंगल कंप्लीट होता है तो मैं आ जाता हूँ दूसरे साइड से एक और एंगल लेने। तो गाइस, हमारा पांचवा टेक यहाँ पे शूट होता है, और मुझे यह सीन को हर एंगल से शूट करना पड़ता है, और इसके बाद हमें यहाँ वहाँ देखने का सीन भी अच्छे से शूट करना पड़ता है। दो तीन बार रिटेक लेने के बाद ये भी हमारा शूट हो जाता है। और गाइस, हमें ये सीन को फिर से शूट करना पड़ता है पीछे साइड से। तो फाइनली गाइस, अब हमारा लास्ट टेक बचा था, और इसी टेक को करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। और इसी सीन को फिर से हमने एक और बार सामने से लिया। और फिर हमने इसी सीन को दूसरे एंगल से लिया। तो गाइस, हमने हर एक एंगल से जाले सीन को लिया है, एंड काफ़ी ज़्यादा रिटेक लेने के बाद हमारी मूवी के बहुत सारे क्लिप बन चुके थे, बस खाली उनको एडिट करना बाकी था। तो गाइस, हमें ये सारे क्लिप शूट करने में पूरे 1.5 घंटे लग गए थे। तो गाइस, शूट तो हमारा कंप्लीट हो गया था, बट इतने सारे क्लिप बन गए और जिसको एडिट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। पूरे 3 घंटे की एडिटिंग के बाद, कलर ग्रेडिंग करने के बाद और बहुत सारे साउंड इफेक्ट ऐड करने के बाद फाइनली हमारी वीडियो बन चुकी है, एंड रिजल्ट कुछ ऐसा है। अरे भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
अरे भाई मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। इतनी रात को यहाँ पे जो भी आता है बच के वापस कभी नहीं जाता। अरे भाई मेरी स्कूटी चालू नहीं हो रही है। अरे भाई चालू हो गई। अरे भाई आपको कहीं जाना है? तो गाइस ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और काफ़ी टाइम लगा मुझे रेटिंग करने में, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह मिल नहीं रहा था अच्छा कोई। मेरे से जितना हो सका मैंने अपना 100% दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाल कलर बाल ऊपर कर ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा खून जैसा लटक चूना चीज ऐसा लग रहा है। ऐसा रहना हाँ। देखो मेकअप आर्टिस्ट चालू मेकअप करना। थोड़ा अका जाने का रोके।